हाँ मुझे पता है कि आप ये सुनते आ रहे हो कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट अपलोड करना जरूरी है, बट क्या ये सच है? यस एंड नो। रील्स से आपको ग्रोथ जरूर मिल सकता है, बट रील्स इज नॉट द ओनली वे टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको फोटोज शूट करना ज्यादा पसंद है इन कंपेरिजन टू वीडियोज, डोंट वरी, आप अपने फोटोज को शेयर करके भी अपने इंस्टाग्राम की ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। मेरे खुद ने पहले 70,000 फॉलोअर्स गेन किए थे बाय जस्ट अपलोडिंग फोटोज। इस वीडियो में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो विदाउट रील्स। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अपने इंस्टाग्राम की ऑडियंस कैसे बिल्ड करनी है यूजिंग इंस्टाग्राम्स इनबिल्ट फीचर्स, जिससे आपको शेयर्स और सेव्स ज्यादा मिले। और फाइनली मैं मेरी एक्सपोर्ट सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी फोटोज को अपलोड कर पाओगे। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डू मी अ फेवर, ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ग्रो करना हो ऑन इंस्टाग्राम विदाउट रील्स तो आपको हाई क्वालिटी फोटोज को अपलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में तो मैं मेरा एक्सपोर्ट सेटिंग्स आगे आपको बताऊंगा, बट आपको हाई क्वालिटी आइडियाज वाले कंटेंट को अपलोड करना है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको कंसिस्टेंटली अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे फोटोज डालता था 8 years back, वो काफी एमेच्योरिस्ट थे, और मैं जो अब डाल रहा हूँ वो होपफुली बेटर होंगे बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करो बिकॉज ऑडियंस आपको ढूंढ लेगी अगर आपका काम अच्छा है। एक बार आपने हाई क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट कर लिया तो इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मैं आपको क्विकली वन बाय वन समझाता हूँ। सिंगल पोस्ट, बेसिकली आप अपने नीश का कोई भी एक सिंगल फोटो को अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपको फोटोज अपलोड करना हो विद गुड एंगेजमेंट, देन अपलोड कराउजल पोस्ट। कराउजल का मतलब ये है कि एक पोस्ट जिसमें एक से ज्यादा फोटो हो और उसको आप लेफ्ट स्वाइप करके देख सकते हो। ये पर्सनली मैं बहुत यूज करता हूँ अगर मुझे कुछ विजुअल स्टोरी बतानी हो। इसमें सेव द शेयर्स आपको ज्यादा मिलेगा, प्लस लोग आपके पोस्ट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे स्वाइप करके एंड तक देख के। इससे आपके पोस्ट का ओवरऑल एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। सो अगर आपको फोटोज अपलोड करना हो तो आई वुड रिकमेंड आप कराउजल के फॉर्मेट में ही अपलोड करो। ओके, बट कराउजल में क्या अपलोड करें? लीनियर विजुअल स्टोरी टेलिंग। ये मैं मेरे ट्रैवल फोटोज में बहुत यूज करता हूँ बिकॉज आई मेक ट्रैवल फोटो ब्लॉग्स। तो मैं जिस भी जगह ट्रैवल और शूट करता हूँ उसका मैं टेक्स्ट प्लस विजुअल एक फोटो ब्लॉग बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्पीति का 9-day ट्रिप का हर एक दिन का एक कराउजल बनाया है टू मेक माय ऑडियंस गो ऑन अ विजुअल जर्नी विद इंफॉर्मेशन। इससे फायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस आपके पोस्ट को सेव करेंगे बिकॉज उनको अगर फ्यूचर में स्पीति ट्रिप को प्लान करना हो तो वो मेरे पोस्ट का रेफरेंस ले सकती है। आप कोट्स डाल सकते हो। मेरी एक सीरीज है डायलॉग्स दैट मैटर, इसमें मैं मेरे फोटोज में फेवरेट बॉलीवुड और हॉलीवुड के डायलॉग्स ऐड करता हूँ। ऐसे टाइप के पोस्ट को वायरल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज से सब लोग कनेक्ट करते हैं, और अगर आपने फेमस मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग्स डाल दिए तो इट विल बी हाईली शेयरेबल। आप वैल्यू ड्रिवन इंफोग्राफिक पोस्ट डाल सकते हो। अगर आपकी कोई भी फील्ड में एक्सपर्टीज हो उसका टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेटिव कराउजल बनाओ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। इंफोग्राफिक कराउजल के लास्ट स्लाइड में कॉल टू एक्शन डालना है, दैट इज फॉलो अस फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ पोस्ट आर हाईली शेयरेबल एंड सेवेबल। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो आप अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके भी अपलोड कर सकते हो। डैन को इसका बहुत अच्छा यूज करता है और इसके कराउजल पोस्ट में ऑन एवरेज 20,000 to 25,000 लाइक्स आ जाते हैं। बिकॉज आप रील्स को क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंटली कराउजल पोस्ट को शेयर करना है। आप डेली भी अपलोड कर सकते हो वरना एटलीस्ट 3 times a week। एक बार आपने हाई क्वालिटी कराउजल्स को क्रिएट कर लिया तो आपको फिर इंस्टाग्राम का इनबिल्ट फीचर यूज करना है, एंड दैट इज कोलैबोरेट फीचर। अगर आपको अपने इंस्टाग्राम में रीच बढ़ाना हो और अपना प्रोफाइल नई ऑडियंस के सामने लाना हो तो आपको यूज करना है इंस्टाग्राम कोलैब्स। इंस्टाग्राम के ऐप के अंदर ही इस फीचर को यूज कर सकते हो विद डिफरेंट क्रिएटर्स फॉर डबल एक्सपोजर। अभी आपको पेड एड्स और गिव अवेज की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम ने बहुत ईजी कर दिया है फॉर यू टू कोलैबोरेट विद अदर क्रिएटर्स। ओके, बट कोलैबोरेट फीचर को यूज कैसे करते हैं? आपको व्हाइल अपलोडिंग योर पोस्ट क्लिक ऑन टैग पीपल, इनवाइट कोलैबोरेटर, सर्च द यूजर जिसके साथ आपने प्री डिसाइड कर लिया है टू कोलैबोरेट, क्लिक ऑन डन। बस अब दूसरे क्रिएटर को एक्सेप्ट करना है आपका इनविटेशन और आपका पोस्ट दोनों के फीड में आएगा। इससे आपका एंगेजमेंट मैसिवली बूस्ट होगा और आपको डबल एक्सपोजर मिलेगा। प्रो टिप, आपको अपने नीच वाले क्रिएटर्स के साथ ही कोलैबोरेट करना चाहिए बिकॉज आपको अपनी ऑडियंस को एलियनेट नहीं करना है बाय अपलोडिंग समथिंग वेरी रैंडम। नीच की बात कर ही रहे तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड इन योर नीच।
अगर आप रील्स अपलोड नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपने नीश में ही कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। आपकी नीश आपकी इंटरेस्ट या फिर स्किल्स के बेसिस पे होनी चाहिए। जैसे मेरी नीश इज ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल फोटोग्राफी और मैं वैसा ही कंटेंट को अपलोड करता हूँ। इससे मेरी ऑडियंस को पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। एकदम से मैं फैशन फोटोज को डाल दूंगा तो मेरे पोस्ट का एंगेजमेंट काफी कम होगा। सेकेंडली आपको अपनी नीश सर्चेबल रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रैवल या ट्रैवल फोटोग्राफर सर्च करेगा तो मेरा नाम आना चाहिए बिकॉज मैंने मेरे इंस्टाग्राम नेम में मेरे नीश को क्लियरली लिखा है। आपको भी अपना इंस्टाग्राम नेम को अपडेट कर देना चाहिए। ऑल्सो आपको अपने इंस्टाग्राम बायो में अपने नीश को क्लियरली स्पेसिफाई करना है जिससे न्यू ऑडियंस को पता चले कि आपके फोटोज किसके बारे में है। आपको अपने नीश को सर्च करना है इन सर्च बार एंड फॉलो पीपल जिसका काम आपको अच्छा लगे बिकॉज ये एक अनसेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सोशल मीडिया की। आपको भी आपके नीश वाले क्रिएटर्स फॉलो बैक करेंगे। बेसिकली आप एक कम्युनिटी बना सकते हो ऑफ लाइक माइंडेड क्रिएटर्स बेस्ड ऑन योर नीश और फिर वो क्रिएटर्स के साथ आप कोलैब फीचर का भी यूज कर सकते हो। आप जितना सिमिलर अकाउंट्स को फॉलो और एंगेज करोगे उतनी नई ऑडियंस की प्रोफाइल की सिमिलर अकाउंट्स में आपका नाम भी आएगा। इससे आपकी प्रोफाइल विजिट्स भी बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अभी तक हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। एक बार आपने अपने नीश में कॉन्टेंट क्रिएट कर लिया फिर आपको फोकस करना है ऑन कैप्शंस। कैप्शन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाएगा अगर आप रील्स को अपलोड नहीं कर रहे हो। मैं यूजुअली मेरे ट्रैवल फोटो ब्लॉग्स में लॉन्ग और इन डेप्थ कैप्शन को लिखता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी ऑडियंस आपके पोस्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को सिग्नल देगा पॉजिटिवली और फिर आपका पोस्ट नई ऑडियंस को रिकमेंड होगा। आप अपने कैप्शन में आपका जो भी पोस्ट हो उस टॉपिक पे अच्छे से इन डेप्थ लिखो सो दैट आपका यूजर पॉज करेगा फॉर फ्यू सेकेंड्स इंस्टेड ऑफ रैंडमली स्क्रोलिंग। आपको अपने कैप्शन में एक कॉल टू एक्शन या फिर एक क्वेश्चन को डालना है जिससे आपकी ऑडियंस आपके साथ एंगेज करेगी इन द कमेंट्स। मैं यूजुअली मेरे कराउजल पोस्ट में लिखता हूँ विच इज योर फेवरेट फोटो या फिर इफ यू लाइक द सीरीज डू सेव एंड शेयर द पोस्ट विद योर लव्ड वंस। इससे मेरे सेव्स और शेयर्स बढ़ जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपके कैप्शन का इज हैशटैग्स। आपको बस 3 से 10 हैशटैग्स को ही यूज करना है अपने पोस्ट में, उससे ज्यादा नहीं। 2023 में हैशटैग का एम इज जस्ट टू कैटेगराइज योर कॉन्टेंट। सो अगर मैं ट्रैवल नीश का कराउजल डाल रहा हूँ तो मैं हैशटैग में हैशटैग ट्रैवल फोटोग्राफी लिखूंगा सो दैट इंस्टाग्राम नोज what the content is about और फिर वो interested audience की explore feed में मेरा post डालेगी। Use hashtags so that people find your content. Now let's talk about my export settings. एक्सपोर्ट सेटिंग्स जानने के सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम सेटिंग को चेंज करना है। एक इंस्टाग्राम सेटिंग है ऑफ हाई क्वालिटी अपलोड्स जो बहुत लोग अनअवेयर है और बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ऑफ रहता है। सो ओपन इंस्टाग्राम, गो टू सेटिंग्स, अकाउंट, डेटा यूजेज, हाई क्वालिटी अपलोड्स, इसको ऑन कर दो। सेकेंडली आप जब भी अपलोड करो मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट हो। यूजुअली मैंने मेरे अपलोडिंग एक्सपीरियंस में कभी कभी देखा है दैट व्हेनेवर आई अपलोड विद अ फास्टर वाईफाई और बेटर इंटरनेट कनेक्शन मेरे पिक्चर्स की क्वालिटी खराब नहीं होती। वेल आपने इंस्टाग्राम की सेटिंग भी बदल ली और आपका वाईफाई भी फास्ट है। अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स में। इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फोटोज अपलोड होते हैं डेली और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए अपने वर्टिकल फोटो में सो आपका इमेज शुड बी 1080x1350px साइज दैट इज 4:5 टू अवॉइड ऑटोमेटिक कंप्रेशन और एक्सपांशन। फर्स्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वर्टिकल फोटो पोस्ट ही अपलोड करूँ। इसका मेन रीजन ये है कि हम इंस्टाग्राम को वर्टिकल ही यूज करते हैं एंड इट मेक्स सेंस टू टेक एडवांटेज ऑफ फुल स्क्रीन फॉर बेटर विजुअल अपील। अब मैं आपको मेरी एक्सपोर्ट सेटिंग्स बताऊंगा। मैं लाइटरूम मोबाइल को प्रेफर करता हूँ टू एडिट माय इमेजेस ऑन फोन। ओपन लाइटरूम ऐप। सबसे पहले मैं ये इमेज को क्रॉप करूंगा इनटू 4:5 दैट इज इंस्टाग्राम वर्टिकल पोस्ट का एस्पेक्ट रेशियो। एक बार इमेज एडिट हो गया मैं एक्सपोर्ट सेटिंग्स में जाऊंगा। एक्सपोर्ट टू कैमरा रोल के बाजू में जो डॉट है उस पर क्लिक करो। फाइल टाइप जेपेग, डायमेंशन कस्टम, लॉन्ग साइड 1350px, इमेज क्वालिटी 100%, क्लिक ऑन मोर ऑप्शंस, कलर स्पेस sRGB, दैट्स इट, एक्सपोर्ट द इमेज। मैं मेरा एडिटिंग प्रोसेस सिंपल और एफिशिएंट रखता हूँ। इसके बाद भी शार्प इमेजेस अपलोड नहीं हो रहे तो व्हेन यू अपलोड फोटोज ऑन इंस्टाग्राम यू इंक्रीज शार्पनेस अ बिट, नॉट मच, वो भी आपको हेल्प करेगा। द फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी यूजिंग स्टोरीज। आपको अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ एंगेज करना है बिकॉज दैट्स द सीक्रेट सॉस ऑफ बिल्डिंग योर ओन कम्युनिटी ऑन इंस्टाग्राम। नो मैटर आपका ऑडियंस साइज क्या है, आपकी ऑडियंस जितना इंटरेक्ट करेगी आपके कंटेंट के साथ एल्गोरिदम विल बूस्ट योर विजिबिलिटी एंड शो योर कंटेंट टू मोर पीपल। रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग न्यू फॉलोअर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कीपिंग देम। आप इंस्टाग्राम स्टोरीज को यूज कर सकते हो टू एंगेज विद योर ऑडियंस डायरेक्टली। यूज स्टिकर्स, पोल्स, आस्क मी एनीथिंग टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। एक गहरा कनेक्शन बना दो आपकी ऑडियंस के साथ
साथ थ्रू स्टोरीज। इंस्टाग्राम ग्रोथ एक स्लो और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पेशेंस इज की विद और विदाउट रील्स। आपको डेफिनेटली अपनी एंगेजिंग कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहिए बिकॉज इट्स वर्थ अ शॉट। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। आप ये स्टेप्स को फॉलो करके अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो विदाउट रील्स। बट अगर आपको रील्स क्रिएट करना है और उसके लिए 50 इजी रील आइडियाज चाहिए, देन क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।